हेलो एंड वेलकम आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया की अब तक की टॉप 10 सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म्स के बारे में। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इंडिया की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म कौन सी है, दंगल या बाहुबली। आज मैं इन सभी कंफ्यूजन को दूर करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नंबर 10 पर है फिल्म सुल्तान। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अली अब्बास जफर ने और इस फिल्म में सलमान खान, अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका में थे। रेसलिंग पर आधारित इस फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन 300 करोड़ रुपए और ग्रॉस कलेक्शन 421 करोड़ रुपए का किया। फिल्म ने ओवरसीज विदेशों में 206.57 करोड़ रुपए कमाए थे और इस फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 627.82 करोड़ रुपए का था। इसी के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। नंबर 9 पर है बाहुबली द बिगनिंग। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स में से SS राजामौली ने। इस फिल्म में प्रभास राणा, डग्गूपति, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, रमैया कृष्णा और सत्याराज मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म भारत की पहली बड़ी पैन इंडिया फिल्म थी। इस फिल्म का बजट 180 करोड़ रुपए था जबकि फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 421 करोड़ रुपए और ग्रॉस कलेक्शन 516 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म के हिंदी वर्जन ने 118 करोड़ रुपए और ओवरसीज विदेशों में 134 करोड़ रुपए कमाए थे और टोटल 650 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ब्लॉकबस्टर रही थी। नंबर 8 पर है फिल्म 2.0। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एस शंकर ने। इस फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत, अक्षय कुमार और एमी जैक्सन लीड रोल में थे। यह फिल्म भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है जिसका बजट 570 करोड़ रुपए था। इस फिल्म ने इंडिया में 407 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन और 551 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था। फिल्म ने हिंदी वर्जन में 189 करोड़ रुपए और ओवरसीज विदेशों में 193 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसी के साथ इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 823 करोड़ रुपए हो गया था। इतना कमाने के बावजूद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज नहीं थी। नंबर 7 पर है फिल्म पीके। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने और इस फिल्म में आमिर खान, अनुष्का शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत, सौरभ शुक्ला, बोमन ईरानी और संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का बजट 85 करोड़ रुपए था जबकि फिल्म ने भारत में नेट कलेक्शन 340 करोड़ रुपए और ग्रॉस कलेक्शन 489 करोड़ रुपए का किया था। वही फिल्म ने विदेशों में 303 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 832 करोड़ रुपए का रहा था। इसी के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। नंबर 6 पर है फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनंत चंदन ने जबकि इस फिल्म में जायदा वसीम, आमिर खान मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का बजट मात्र 15 करोड़ रुपए था जबकि फिल्म ने भारत में 63.4 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन और 81.28 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था जबकि विदेशों में फिल्म ने खासकर चाइना में रिकॉर्ड तोड़ते हुए 831 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 912 करोड़ रुपए का हो गया और इसी के साथ यह फिल्म सुपरहिट रही थी। नंबर 5 पर है फिल्म बजरंगी भाईजान। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कबीर खान ने जबकि इस फिल्म में सलमान खान, करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का बजट मात्र 90 करोड़ रुपए था जबकि फिल्म ने इंडिया में 320 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन और 432 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। वहीं फिल्म ने विदेशों में 489 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड 923 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसी के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। नंबर 4 पर है फिल्म RRR। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था SS राजामौली ने और इस फिल्म में रामचरण जूनियर, NTR, आलिया भट्ट, अजय देवगन, ओलिवर मॉरिस मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का बजट 550 करोड़ रुपए था जबकि फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन 772 करोड़ रुपए और ग्रॉस कलेक्शन 903 करोड़ रुपए का किया। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 274.31 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और ओवरसीज फिल्म ने विदेशों में 208 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1128 करोड़ रुपए का हो चुका है। इसी के साथ यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है। नंबर 3 पर है फिल्म KGF चैप्टर 2। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने और इस फिल्म में रॉकिंग स्टार यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, प्रकाश राज और संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए था जबकि इस फिल्म ने इंडिया में 859 करोड़ रुपए का नेट और 1000 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 433 करोड़ रुपए और ओवरसीज विदेशों में 206.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और टोटल 1240 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। इसी के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। नंबर 2 पर है बाहुबली टू द कंक्लूजन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था SS राजामौली ने। इस फिल्म ने प्रभास राणा, डग्गूपति, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया,
सत्याराज मुख्य भूमिका में थे। इस ऐतिहासिक फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए था, जबकि फिल्म ने इंडिया में नेट 1030 करोड़ रुपए और ग्रॉस 1416 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 510 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और वही ओवरसीज 371 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1800 करोड़ रुपए से अधिक रहा है और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है। नंबर वन पर है फिल्म दंगल, जिसे डायरेक्ट किया था नितेश तिवारी ने और इस फिल्म में आमिर खान, अपर शक्ति खुराना, जारा वसीम, फातिमा सना शेख, सांची तंवर मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपए था, जबकि इस फिल्म ने इंडिया में 387 करोड़ रुपए का नेट और 535 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म ने विदेशों में रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1535 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिससे इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2224 करोड़ हो गया। इसी के साथ यह फिल्म अब तक भारत की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी हुई है। आपको इन सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।